आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली डिश, जिस जो है पाबदा माछेर करी। ये है पाबदा फिश, जो कि बंगाल की काफ़ी अच्छी फेमस डिश है। एंड ये पाबदा फिश में मैंने सॉल्ट डाला है, इसके बाद अब हल्दी डाली है 1 चम्मच, और इन सबको एक साथ मिला लेना है ताकि फिश में अच्छे से कोटिंग हो जाए। अब इनको फ्राई कर रही हूँ, फ्राइंग पैन में इनको फ्राई करने दिया है, और इसमें 3 चम्मच तेल डाला है मैंने। और ये भी फिश अच्छे से फ्राई हो रही है, फ्लेम हाई रखा है मैंने, और अभी से दूसरी तरफ से भी फ्राई कर देनी है ताकि फिश अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका टेस्ट अच्छा है। सारे फिश को मैंने कर दिया है इसे दूसरी साइड से भी फ्राई, और हाई फ्लेम में है, गैस को हाई फ्लेम में कर दिया है मैंने। और इसे गोल्डन फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। चलिए, ग्रेवी के लिए हमने कढ़ाई ले लिया है, अब हम इसमें ऑयल लेंगे। और ये है सारे मसाले, मैं एक के बाद एक बोलती जा रही हूँ। इसमें हल्दी, मिर्ची और पेस्ट है अनियन गार्लिक की, एक के बाद एक डाल रही हूँ। देखिए, फिश अच्छे से फ्राई हो गई है, इसकी कलर भी काफ़ी अच्छी आई है। इसी तरीके से इतनी ही फ्राई करनी है आप लोगों को। इतना अच्छा फ्राई हुआ है ये, और मैंने अब ऑयल गर्म कर लिया है। अब धनिया पत्ते, फिर जीरा पाउडर, ये सबसे पहले जा रहा है अभी प्याज और अनियन और गार्लिक, इन तीनों का पेस्ट जा रहा है तेल में सबसे पहले। अब इनको फ्राई दे थोड़ी सी इनको मिला लेना है एक साथ। इसके बाद इसमें सॉल्ट दिया है, सॉल्ट 2 स्पून दिया है, टी स्पून दिया है। अब इसमें गई है जीरा पाउडर, ये है गरम मसाला पाउडर, ये है हल्दी पाउडर, और ये रेड चिली पाउडर, और सभी को मिला लेना है एक साथ। एक साथ सबको मिक्स कर लेना है। ये ग्रेवी का मसाला बन रहा है, और फिश भी वहाँ फ्राई हो चुका है। अब इसमें पानी ऐड कर लेना है, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी बनानी है, तो इसकी पानी डाल दिया है मैंने। अब इसकी झाग उठ रही है, और ये हमें फिश को मिला लेना है इस ग्रेवी में, और बस रेडी हो गई।